हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर उसका एक्सरसाइज 8.2 पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग ने फर्स्ट नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लेते हैं। ये फर्स्ट ही नंबर का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तो हम लोग इसमें देखते हैं। इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी क्या दिया हम लोग का 2 tan² 45 डिग्री, फिर इसमें कोस प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम लोग को इसमें कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, जैसे कि 2 है तो 2 लिख देंगे, और 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 हम लोग ने लिख दिया, प्लस इसमें स्क्वायर है तो हम लोग ने स्क्वायर कर दिया। अब ये प्लस साइन, अब कोस 30 डिग्री का कितना हो जाता है वैल्यू, √3/2 हो जाता है, और इसमें स्क्वायर इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री का भी √3/2 होता है, तो ये और स्क्वायर इसलिए स्क्वायर लग गया। अब देखिए स्टूडेंट्स कुछ नहीं करेंगे, 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 1 ही हो जाता है। अब देखिए प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 3/4 माइनस ये हो जाएगा स्क्वायर, और रूट कैंसिल हो जाता है, ये हो जाएगा 3, पर ये दोनों के लिए स्क्वायर है, ऊपर के लिए भी नीचे भी के लिए भी, तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 3 बचेगा और नीचे लेकिन 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना 4। अब देखिए ये तो यहीं पे कैंसिल हो जा रहा है, ये हो गया 2 + 3/4 -3/4। आप लोग इसको यहीं पर काट सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये +3/4 है, ये -3/4 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। तो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।